कि मेरे बारे में विपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष उल्लेख किया है, तो फिर मुझे अपना स्पष्टीकरण देना आवश्यक हो गया। शोर शराबे में उनके शब्द सभी सदस्यों ने स्पष्टतः सुने या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता था कि चलते चलते मेरा उल्लेख हो रहा है, लेकिन जब बाद में मैंने पूरा भाषण पढ़ा तो मुझे लगा कि ये चलते चलते नहीं है, ये छपते छपते भी नहीं है, ये पूरी तरह से सोच विचार करके भाषण दिया गया है। मैं उद्धृत कर रहा हूं उनके शब्दों को, द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड वेदर इज प्राइमरी ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया और टू सकम टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ हिज पार्टी एंड इट्स सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या मतलब है इसका? प्लीज प्लीज श्रीमती सोनिया गांधी क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते मेरे प्राथमिक कर्तव्य की याद दिलाई है, प्राइमरी ड्यूटी। जैसे और कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार के दबाव में आना या नहीं आना, अपना कर्तव्य पूरा करना या नहीं करना, और कर्तव्य की सबसे बड़ी कसौटी उनकी यही है कि मैं कहीं अन्य संबंधित संगठनों के दबाव में तो नहीं आ रहा। यह हमारा जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, कांग्रेस के विरोध के बावजूद हूं, और जब तक लोग मुझे चाहते हैं मैं रहूंगा। लेकिन अब मेरे बारे में इतनी रुचि लेने की आवश्यकता क्या है? फिर आगे सवाल देखिए, विल ही बी सबमिसिव एंड वीक इन हिज लीडरशिप और विल ही अपहोल्ड द प्रेस्टीज ऑफ द हाई ऑफिस ही होल्ड्स? इसके पीछे क्या भावनाएं? ये कहने का मतलब क्या? ये मेरे ऊपर आरोप है कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं, गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। पार्लियामेंट का जीवन इस बात का साक्षी है। मैं अभी पढ़ रहा था 1961 में संयुक्त बैठक में मैंने जो भाषण दिया था, मैं उसको पढ़ रहा था। वो दहेज के सवाल पर संयुक्त बैठक हुई थी और मैंने उस समय दहेज का विरोध किया था। मुझे बाद में सुनना पड़ा चर्चा में कि आप तो पुरातनवादी हैं, परंपरावादी हैं, या आप दहेज का विरोध क्यों कर रहे हैं?
ये 1961 की बात है। 1957 में मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुना गया, प्रतिपक्ष की ओर से चुना गया। अगर मैं दबाव में काम करता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। दबाव में काम करने का मतलब है किसके दबाव में? आपको बड़ी चिंता हो रही है मैं किसी के दबाव में न रहूं। अभी तो कहा जा रहा है कि हम परिवार के दबाव में, हमारे वामपंथी सदस्य कहते हैं कि हम अमेरिका या विदेशी शक्तियों के दबाव में हैं। तो अगर हम दबाव में हैं और दबाव में काम करते हैं तो फिर मेरा दल और मेरे मित्र दल मेरा समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसका औचित्य क्या है? वो जानते हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। अणु परीक्षण के मामले में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था, मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी, ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं दबाव में काम नहीं करता। आप चुप रहिए, एक सीमा होती है सुनने की। मुझे रोका था जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की यह 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। इस साल तक इन्हें क्यों बेचैनी हो रही है? मुझे टोकने का मतलब क्या है? मिस्टर, आपको सच बात सुनना कड़वी लगती है? इसके आगे देखिए, हिज मोमेंट, मेरा हिज मोमेंट ऑफ रेकनिंग हैज कम। ये विरोधी दल की नेत्री का भाषण है, ये प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा है। इसका भाव क्या है? मेरी परीक्षा का दिन आ गया है, क्या मतलब है इसका? मैं रोज रोज परीक्षा दे रहा हूं। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या अधिकार है?
Yes, now please, will you please resume? There is some solution. Prime Minister has agreed that Mr. Arjun Singh will speak 2 minutes. Will you please resume now? Now please resume. Please resume your seat now. Prime Minister has agreed that Mr. Arjun Singh will speak 2 minutes. He has yielded to him. Yes. Please resume your seat. I appeal to all leaders, whips and honorable members that the Prime Minister has agreed to yield him for 2 minutes. Please patiently hear him and then the Prime Minister. Please. Now order, please. You please take your seats. May I request Mr. Bhutta Singh, please take your seat. Please. Pramod, please tell your members. Priyaranjan, please tell your members. Adarniya. Please. Now, order, please. Order, please. Honorable Prime Minister has agreed to yield him for 2 minutes and then Prime Minister will continue. Please, now, order in the house. Adarniya Upasabhapati Mahoday, Upadhyaksh Mahoday, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही यहाँ आकर बोलने की और मैं बहुत दुखी मन से यह कह रहा हूँ जो आज कहना जा रहा हूँ। ये वह स्थान है जहाँ भारत के संविधान की रचना हुई है। ये वह स्थान है जहाँ समूचे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने सदियों के संघर्ष का अंतिम रूप संविधान के रूप में देश को दिया है। और ऐसे स्थान पर मुझे खेद के साथ ही कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से नहीं भाषण तो 2 मिनट तो क्या करेंगे, माला जपेंगे खड़े होकर। मिस्टर मांडल, मिस्टर संजय निरुपम, व्हाट इज इट? आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द हाउस। Please, please, now, I seek the cooperation of all leaders. कुछ चीजें व्यवस्था की होती हैं, कुछ चीजें होती हैं पूरे सदन की मर्यादा की। मैं समझता हूं कि उस मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं सदन से भी और प्रधानमंत्री जी से भी। उन्होंने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया, उन्होंने एक तरह से बहुत अच्छी परंपरा कायम की, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन 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 सदन में प्रतिपक्ष के नेता का स्थान भी ऐसा होता है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस लहजे से उनके शब्दों को यहां लेकर और अपना प्रतिरोध जाहिर करने की कोशिश की है वो उन्हें शोभा नहीं देता है। ये मेरी मान्यता है। Will speak now. Please, don't. Already we are late. Another 1.5 hours will take place. Please. Now order, please. Order. अगर मैंने अपने भाषण में किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है तो आप उसे देख लें, उसको निकाल दें, मैं आपत्ति नहीं करूंगा। अब ऐतराज किया जा रहा है मेरे लहजे पर। अब मैं लहजा तो इस उम्र में बदल नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू ने मेरा ये लहजा स्वीकार किया था इस भाषण में, लिखित भाषण में।
अभी मैंने पूरा भाषण पढ़ा नहीं है श्रीमती सोनिया गांधी का, मैं उद्धृत कर रहा हूं। प्लीज स्टॉप दिस रनिंग कमेंट्री। देर इज एम अफ्रेड नीदर मॉरल इंटेग्रिटी नॉर सिंसियरिटी ऑफ पर्पस अमंग दोज हु आर ट्राइंग टू फोर्स द लॉ ऑन द नेशन टूडे। ये मॉरल इंटेग्रिटी क्या है? व्हाट इज मॉरल इंटेग्रिटी? क्या मतलब है इसका? अगर सत्ता पक्ष में अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को खेद प्रकट करना चाहिए। अपने लंबे संसदीय जीवन में मैंने न कभी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, न मैंने कभी अभद्राचरण किया है। मगर जो हमें उपदेश दे रहे हैं, मुलायम सिंह जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, वोटों के बारे में तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, नियत पर शक किया जा रहा है, बोनाफाइडीज की बात हो रही है। आप अगर टाडा लाएं तो ठीक है, आप अगर मीसा लाएं तो ठीक है, तब तो हमने आपकी नियत पर शक नहीं किया। आज नियत पर शक किया जा रहा है और इसलिए मुझे पीड़ा होती है। अगर बहुमत नैतिकता से नहीं चल रहा तो फिर क्या अल्पमत से हम आशा करें कि वो नैतिकता की दुहाई देगा? जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वैसे मैं एक सवाल को लेकर सोनिया जी की तारीफ करने वाला था, इसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहे, आगे भी लड़ेंगे, और उसके बाद लड़ाई मेरे खिलाफ छेड़ दी। ये व्यक्तिगत आरोप हैं, ये नीति संबंधी आरोप नहीं है, ये सिद्धांतों का खंडन मंडन नहीं है, ये मेरे व्यक्तित्व पर लांछन है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कर रहे हैं मिस्टर रामदास, मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं जनता के कल्याण पर चलूं या दबाव में आऊं, ये कौन तय करेगा? आखिर मुझे जनता ने यहां पहुंचाया है, और अगर मैं दबाव में काम कर रहा हूं तो मेरे साथी मुझे छोड़ देंगे, मेरा दल मुझे छोड़ देगा, विरोधी पक्ष की नेत्री को यह बताने की जरूरत नहीं है कि या तो मैं दबाव में काम करूं और यही नहीं तो कल्याण करूं। मैं अपने ढंग से देश की सेवा करने का प्रयास करता रहा हूं और आगे भी करूंगा। लेकिन अगर मुझे आपत्तिजनक बातें सुनना पड़ेंगी तो मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आप उपाध्यक्ष हूं। अगर
अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है निकाल दीजिए मेरे भाषण में से। क्यों नहीं है तो फिर इतना मान लीजिए कि आपने जो शोरगुल मचाया वो बेकार था।